सरोकार। विदेश मंत्री जयशंकर दो दिन के दौरे पर रूस पहुंचे, रूस विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, यूक्रेन जंग पर हो सकती है चर्चा। अमेरिका में आज मिड टर्म इलेक्शन, महंगाई अहम मुद्दे, बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की रिपब्लिक में पीछे। पीटीआई का लॉन्च मार्च 9 नवंबर से शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा इमरान पर हमले का केस 24 घंटे में दर्ज हो। इसरो जापान का संयुक्त मिशन, चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से से रोवर भेजेंगे, यहां अंतरिक्ष के कई राज खुलने की आशंका। 15 नवंबर को बड़ी घोषणा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर अटकलें तेज। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में चौक थाने क्षेत्र के यहियागंज चौकी क्षेत्र के भीमनगर में खुदाई के दौरान 130 सिक्के मिले। सिक्के मिलने के बाद पुलिस की को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिक्के को कब्जे में लेते हुए पुरातत्व विभाग को सूचित किया। वहीं इस मामले पर ADCP वेस्ट चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने कहा कि DM की निगरानी में ये सिक्के कोष में जमा किए जाएंगे। चौकी के क्षेत्र में एक भीमनगर मोहल्ला है, वहाँ पे श्री ज्ञान सिंह के घर में कुछ खुदाई का काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का। तो ज़मीन से वो सिक्के, एक जो मिट्टी की हांडी है उसमें बरामद हुए हैं। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन थाने को प्राप्त हुई तो वो नियमतः उसको मंगवाया गया है, पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया है। और इसके उपरांत जो कार्रवाई होती है कि जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय हैं उनके संज्ञान में लाके कोषागार में उसको नियमानुसार जमा किया। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के टिकरा व बहर ग्राम पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन हो रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक खनन क्षेत्र से देहात कोतवाली की दूरी महज 3-4 किलोमीटर की है, लेकिन पुलिस को अभी तक खनन की जरा सी भी जानकारी नहीं। और जानकारी हो भी कैसे, क्योंकि मामला सफेदपोश नेताओं से जो जुड़ा हुआ है। आगरा में मीट एक्सपोर्टर पूर्व विधायक जुल्फिकार भुट्टो के NMA ग्रुप के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के अकाउंट से करोड़ों का लेन देन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने आगरा के साथ ही 11 शहरों में 35 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ये भी बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से ये कार्रवाई 72 घंटों से की जा रही है। बता दें कि HMA ग्रुप के नए खुलासे होने के बाद जुल्फिकार अहमद भुट्टो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग की तरफ से 72 घंटों से कार्रवाई की जा रही है, 11 शहरों में 35 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, 72 घंटों से IT का सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें मीट एक्सपोर्टर पूर्व विधायक जुल्फिकार भुट्टो के HMA ग्रुप के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अकाउंट से करोड़ों का लेन देन का मामला सामने आया है।
72 घंटों से की जा रही है। बताते हैं एचएमए ग्रुप के नए नए खुलासे होने के बाद जुल्फिकार अहमद भुट्टो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिशान हमसे जुड़ेंगे। जिशान, आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, एचएमए ग्रुप के कर्मचारियों के करोड़ों का लेन देन का मामला सामने आया है। आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है। जिशान, क्या आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जिशान, आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, एचएम ग्रुप के कर्मचारी के करोड़ों की लेन देन का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एचएम ग्रुप जो है, जुल्फिकार अहमद भुट्टो जो पूर्व विधायक हैं, 5 नवंबर से आईटी की रेड चल रही है। इस वक्त हम उनके निवास पर हैं, ये उनका निवास है। हमने पहले लाइव दिया था उनके ऑफिस से, ये सामने इनका अपार्टमेंट बना हुआ है जहां पर ये जुल्फिकार अहमद भुट्टो हैं जो एचएम ग्रुप के मालिक हैं। और आईटी की रेड के द्वारा ये भी कई कई खुलासे दिए गए हैं इसमें कि एक जो कर्मचारी है उनके कर्मचारियों के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, कर्मचारी के अकाउंट से। कल एक मुंडेपाड़े में एक खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए का लेन देन उसमें दिखाया गया है। हालांकि कर्मचारी को जब आईटी की टीम उसके निवास पर पहुंची तो वो वहां पर उससे पूछताछ की गई, 2 दिन का उनको समय दिया गया है। और भी कई खुलासे हुए हैं कि जुल्फिकार अहमद भुट्टो के जो भाई है कामिल कुरैशी, उनका पाकिस्तान से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान के एक व्यक्ति है जिससे कामिल कुरैशी की चैट चल रही थी, उस व्हाट्सएप चैट का वो आईटी के हब लगी है। हालांकि उसमें मामूली बात की जा रही थी उनके द्वारा, लेकिन ये आईटी जांच, आईटी की जांच का विषय उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। जिसान, इस मामले में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? बड़ा एक्सपोर्टर है और ये बड़ा एक्सपोर्टर होने के नाते इन लोगों जो एचएम ग्रुप में आईटी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो टैक्स की हेरा फेरी भी बताई गई थी इसी को लेकर कई कंप्लेंट भी आई थी। हालांकि जुल्फिकार अहमद भुट्टो की अभी कुछ दिन पूर्व उनकी बेटी की शादी भी की गई थी, तो बताया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ रुपए की शादी में खर्चा किया गया था, जिसके बाद आईटी की रडार पर आए और अब जो पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ा गया, उसके बाद उनके जो कर्मचारी हैं उनका भी उनसे जो खातों का लेन देन है वो भी करोड़ों रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी वगैरह, उनकी भी जुल्फिकार अहमद भुट्टो की जो एचएम है वो रडार पर है। जी जिशान, तो अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये 72 घंटे से आईटी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी उनके निवास और जो उनके प्रतिष्ठान है उन पर आयकर विभाग के द्वारा जो आला अधिकारी हैं वो साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, जितने ट्रांजैक्शन हैं वो ट्रांजैक्शन इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन पर सभी चीजों की जांच की जा रही है। हालांकि किसी को अंदर जाने की 72 घंटे का समय बीत चुका है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और ना ही किसी को बाहर आने की अनुमति है। ये जांच का विषय उसके बाद ही निकल कर आएगा। हालांकि जो आईटी की तरफ से सूत्रों के द्वारा जो जानकारियां मिल रही है कि कई खुलासे भी हो चुके हैं। जी धन्यवाद जिशान तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई के पिहानी ब्लॉक में 15 वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद भी एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है। एक और सभी ब्लॉकों के कंप्यूटर ऑपरेटर का तबादला हो चुका है, तो वहीं पर
लेकिन सफेदपोश नेताओं व संबंधित अधिकारियों की मदद से कंप्यूटर ऑपरेटर मोहित शुक्ला एक ही स्थान पर तैनात हैं, जिसके लिए 3 वर्षों से ब्लॉक बदलने का फॉर्मूला भी फिसड्डी साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो एक बार मोहित शुक्ला का तबादला टोडर पुल ब्लॉक में हुआ था, लेकिन अभी तक दूसरी जगह ज्वाइन नहीं किया है, जिससे सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कासगंज में ककोड़ा मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने फीता काट कर किया। मेले के शुभारंभ से पहले विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया गया। मां गंगा को दूध से अभिषेक कर मेला सफलता की कामना की गई। वहीं मेले में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर के रामनगर स्थित कृष्णा मंदिर में प्रभात फेरी निकाली गई और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रभात फेरी कई मार्गों से होती हुई पीपल घाट पर पहुंची, जहां भक्तों द्वारा स्नान कर पूजन किया गया। इस दौरान प्रभात फेरी में भगवान श्री कृष्ण राधा के स्वरूप में सजी सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि राधा कृष्ण मंदिर से चलकर यहाँ पर प्रभात फेरी पीपल घाट पे आती है और बहुत ही धूमधाम के साथ देखिए सभी लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पर अब आरती हुई है, आरती के बाद में सब लोग यहाँ से फिर वापसी मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे और रास्ते में उनका स्वागत होना है, प्रसाद वगैरह का वितरण होना है और फैक्ट्री मंदिर में भी इस प्रभात फेरी का स्वागत होगा। तत्पश्चात उसके बाद में श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाकर इस प्रभात फेरी का आज समापन एवं विश्राम होगा। मैनपुरी में बिछुआ थाना क्षेत्र के विद्यार्थी पूरम के बबूल के जंगल में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 का इनामिया गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कई मामलों के साथ गौ तस्करी में मुकदमा दर्ज है। वहीं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने घटना की जानकारी दी है। 2 दिन पहले सुन्नामई स्टेडियम के पीछे अज्ञात लोगों ने एक गाय की निर्मम हत्या कर दी थी, साथ ही उसका मांस निकाल ले गए थे। दो दिन पूर्व बिछवा थाने में गोकसी की घटना हुई थी। उस घटना में इश्तियाक सहित 10 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। आज इश्तियाक के बारे में जानकारी हुई कि अनुखेड़ा रोड पर जा रहा है, पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश किया गया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जो उसके पैरों में लगी, घायल हुआ है, इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ये इश्तियाक शातिर अपराधी है, गोकशी में पूर्व में भी ये 2 जनपदों से जेल जा चुका है। इसके ऊपर गैंगस्टर आदि अनेक मुकदमे कायम है इसके ऊपर। अलीगढ़ में थाना टप्पल क्षेत्र में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़ी कार में दूसरी कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे ताऊजी का बेटा है मंजीत, वो नोएडा से आ रहा था राया के लिए। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो वो कच्चे में गाड़ी खड़ी करके स्टेपनी चेंज कर रहा था। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई और उसके पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे, उनमें टक्कर मारते हुए उस गाड़ी से टकरा गए। दोनों ही व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो गए और गाड़ी में भी काफ़ी पीछे से नुकसान। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।